बिग बॉस 14 में आने वाले हैं नए रूल, बदलने वाला है फॉर्मेट, बदलने वाली है टीम। क्या है पूरा माजरा, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुतम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। बिग बॉस 14 काफी समय से सुर्खियों में है। इसके कंटेस्टेंट के चुनाव को लेके रोजाना कोई ना कोई खबर आती रहती है कि आज इसको अप्रोच किया है, उसको अप्रोच किया है, तो इन सभी बातों को लेके ऑलरेडी सुर्खियां बनी रहती है। वेल, मैं आपको बताऊं, हाल ही में इसके प्रोमो को लेके बातचीत हुई थी कि सलमान खान इसका प्रोमो अपने फार्म हाउस से ही शूट करने वाले हैं। बाद में फिर खबरें रिवील हुई कि बिग बॉस का जो सेट बनने वाला है, वो सेट जो है वो एक जंगल के जैसा बनने वाला है। यानी कि ये भी माना जा सकता है कि इस बार इसका सेट जो है वो पनवेल में बनाए, सलमान खान के फार्म हाउस के घर के पास। अब एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि बिग बॉस 14 में एक और नया जो चीज है वो लाई जा रही है। बिग बॉस 13 में 5 हफ्ते बढ़ा दिए थे, जिसकी टीआरपी फिर भी अच्छे लेवल पे थी। ऐसे में अब बिग बॉस 14 को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिशें की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप बिग बॉस के घर पे जिस तरीके से फोन नहीं ले जा सकते थे, कोई गैजेट नहीं ले जा सकते थे, किसी के साथ में कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते थे, लेकिन इस बार इन सब चीजों से जो है वो चीजें परे रहेंगी। यानी कि जो भी कंटेस्टेंट घर के अंदर जाएंगे वो अपने फैंस के साथ में, अपने परिवार के साथ में जो है वो जुड़े रह सकते हैं। वो कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, वो कोई लेटर लिख सकते हैं, या फिर कोई वीडियो बना के वो शेयर कर सकते हैं। अगर मैं इन सब चीजों की मानूं तो इन चीजों के हिसाब से अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो आपको लैपटॉप या फिर मोबाइल या इन सब चीजों की जरूरत हो सकती है। और अगर बात करूं वीडियो की, तो वीडियो के लिए आपको कैमरा, मोबाइल, मतलब किसी न किसी गैजेट की आपको जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब बिग बॉस के अंदर जिस तरीके से ये गैजेट्स वाला जो नया रूल आया है, ये कितना इंटरेस्टिंग होगा। फैंस जब डायरेक्ट अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के साथ जुड़ेंगे तो वोटिंग जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फैन फॉलोइंग भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में आप लोग का क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी सभी अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।